हर हर महादेव दोस्तों, आज है 75 डेज हार्ट चैलेंज का डे वन। आज मौसम काफ़ी अच्छा है और मेरे दिन की शुरुआत होती है एक कप कॉफ़ी से। इससे पहले कि मैं ग्राउंड के लिए निकलता, बारिश भी आ चुकी है। बारिश धीमे होते ही मैं फटाफट से ग्राउंड के लिए निकल गया, जो कि मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पे है। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, तो मैंने अपने वर्कआउट का शुरुआत माइल्ड स्ट्रेचिंग से किया है। गाइस, वार्म अप के बाद मैंने किया 20 मिनट्स रनिंग और अभी स्ट्राइड और स्प्रिंट करेंगे। टोटल 10 स्ट्राइड और स्प्रिंट के बाद अब बारी है डायनेमिक स्ट्रेचिंग की। जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी वर्कआउट के पहले या बाद में स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। और 75 डेज हार्ट चैलेंज के रूल के हिसाब से मुझे 4 लीटर पानी के कंजप्शन पे भी ध्यान देना है। गाइस, आज का मॉर्निंग वर्कआउट हो चुका है फिनिश और अभी चलते हैं घर। तो गाइज, अच्छे वर्कआउट के बाद कैलोरी इंटेक भी जरूरी है, तो मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है ओट्स, कुछ पनीर और बनाना। बारी है लंच की। लंच के बाद मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट और फिर होममेड प्रोटीन शेक लेके मैं निकल गया जिम के लिए। और ये रही जिम एक्सरसाइजेस की कुछ क्लिप्स। आज मैंने मेनली थाई, कोर और शोल्डर्स पे ज्यादा ध्यान दिया। जिम के बाद मैंने कैलोरी इंटेक के लिए लिए थोड़ा सा पनीर और फ्रूट जूस। और ये रहा आज का पांचवा और अंतिम टास्क, टू रीड अ बुक। मैंने चूज किया है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल।